नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। क्रूज ड्रग्स केस के मामले में आर्यन खान की मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में आरोपी आर्यन खान की जमानत अर्जी एक बार फिर खारिज हो गई है। मुंबई के स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को बेल देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि 3 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए आर्यन 8 अक्टूबर से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। जेल में आर्यन को कैदी नंबर 956 का बैच मिला है। आर्यन की 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी 21 अक्टूबर को खत्म हो रही है। आर्यन की रिहाई के लिए अब शाहरुख खान के वकील अमित देसाई बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करेंगे। तब तक आर्यन को मुंबई के आर्थर रोड जेल में ही रहना पड़ेगा। आर्यन के अलावा उनके साथ गिरफ्तार हुए दोनों लोग अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा की जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने फिर खारिज की है आर्यन खान की जमानत याचिका। खबर मुंबई से है, जहां आर्यन खान को अभी तक नहीं मिली है जमानत याचिका। जमानत अर्जी एक बार फिर से खारिज कर दी गई है। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए आर्यन खान को 8 अक्टूबर से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। जेल में आर्यन को कैदी नंबर 956 का बैच मिला है। आर्यन की 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी 21 अक्टूबर को खत्म हो रही है। आर्यन की रिहाई के लिए अब शाहरुख खान के वकील अमित देसाई बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करेंगे। तब तक आर्यन को मुंबई की आर्थर रोड जेल में ही बंद रहना पड़ेगा। आर्यन के अलावा उनके साथ गिरफ्तार हुए दोनों लोग अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा की जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने फिर खारिज की है आर्यन खान की जमानत याचिका। प्राइम टीवी की खास खबरों में बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।